हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही मधुर गाने का लेसन देने जा रहा हूँ। माउथ ऑर्गन पे कंप्लीट लेसन दूंगा। गाना है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ठीक है, तो पहले मैं आपको गाना सुना देता हूँ, फिर आपको इसका कंप्लीट लेसन देता हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पे। मैं इस तरह से पकड़ के बजा रहा हूँ ताकि आपको मेरे मूवमेंट भी पता चले। ठीक है, तो पहले अभी मुखड़ा का लेसन देता हूँ, फिर मुखड़ा के बाद आपको अंतरा का भी लेसन दे रहा हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करता हूँ गाना। अच्छा, इस गाने को बजाने के लिए कि आपके पास अगर ये टावर का 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है तो आप बजा सकते हैं, और इसमें एक जगह आपको ये लीवर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ये क्रोमेटिक हारमोनिका होना चाहिए, लीवर वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको अंतरा में ये ज़रूरत पड़ेगी। मुखड़ा में नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अंतरा में ये ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। ये है पहला लाइन। यहाँ देखिए, थोड़ा मैं बता दूँ, ये लिरिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे होल नंबर्स दिए हुए हैं, जो होल आपको फूकना है या खींचना है। के मतलब खींचना, पी मतलब फूकना, और नीचे सरगम में नोटेशन दिया हुआ है ताकि अगर आपने सरगम सीख लिया है, सारे गम पधनी सा बजा सकते हैं, तो किसी भी माउथ ऑर्गन पे 12 होल्स हो, 10 होल्स हो, 16 होल्स हो, आप इसे देख के बजा सकते हैं। आपने अगर सरगम नहीं सीखा है तो आप ये होल नंबर के हिसाब से बजा सकते हैं। ठीक है, तो गाना देखिए, 8 नंबर होल से खींच के शुरू हो रहा है। 8 नंबर होल में खींचेंगे और फिर 9 में फूकेंगे तो घर निकल जाएगा। से 6 में आपको खींचना है, निकलते ही 8, 9, 8, 10, 8 में खींचना है, 9 में फूकना है, 8 और 10 में खींचना है तो निकलते निकल जाएगा, और ही 9 नंबर होल में आपको फूकना है तो ही निकल जाएगा। सरगम में जो बजाना चाहते हैं, नीसा ध, यहाँ माइनस ध मतलब लोअर ऑक्टेव का आपको ध बजाना है, नीसा नीरे सा। ठीक है, नीसा नीरे सा बजाना है। तो चलिए होल नंबर से देखिए शुरू करते हैं। घर से निकलते ही पहला लाइन हो गया। सेकंड लाइन, कुछ दूर चलते ही हो गया। थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, रास्ते में है उसका घर। रास्ते 13, 13, 15, रास्ते में 16 होल नंबर खींचना है उसका 13, 13, 10, घर 11 में फूकना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक म्यूजिक बजा सकते हैं, ये देखिए 13, 10, 9। ये आप इंटरल्यूड म्यूजिक बजा देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन, कल सुबह देखा तो ठीक है, बाल बनाती वो, बाल 11, 11 में दो बार फूकना है तो बाल निकल जाएगा। बनाती 13, 10, 8, 10, 13 में फूकना है और 10, 8, 10 में आपको खींचना है, वो 9 नंबर होल में फूकना है। ठीक है, तो कोई भी गाना बजाने के लिए फ्रेंड्स, पहले आप गाने को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, 2-3 बार गाने को सुन लीजिए ताकि ट्यून अच्छी तरह से आपको मालूम हो। ट्यून अच्छी तरह से मालूम होगा तो आपको कहाँ पे कितने देर तक खींचना है, कितने देर फूकना है, आपको ट्यून से पता चल जाएगा। ठीक है, खिड़की में आ
नजर। ठीक है, फिर से आप वो म्यूजिक बजा सकते हैं, ये म्यूजिक। ये हो गया आपका मुखरा। अब अंतरा आपको सिखा दूं, अंतरा पहले मैं आपको बजा देता हूं, फिर आपको सिखाता हूं। अंतरा में एक जगह आपको ये स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए, मासूम चेहरा भोली नीची निगाहें, तो अंतरा शुरू करता हूँ। ये है मासूम चेहरा, ठीक है। मासूम देखिए, 11, 12, 14, 14 मासूम निकल जाएगा, चेहरा 14, 14 में खींचना है, नीची 11 और 12 बजाना है, निगाहें 14, 13, 13। भोली सी लड़की, नेक्स्ट लाइन। यहां पर देखिए, जहां पर रेड डॉट है वहां आपको ये स्लाइडर को दबा लेना है, ठीक है। जैसे ना अफसरा, ना अफसरा, आपको देखिए 12, 12, 12, 12 बजाना है और ये स्लाइडर को दबा के बजाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, छह में आपको स्लाइडर छोड़ देना है और 13 में फूकना है, इस तरह से। फिर से देखिए, सॉरी, फिर से देखिए, ठीक है। ना अफसरा है ना वो पड़ी है, बस इसी जगह आपको स्लाइडर जोड़ना पड़ता है, ना अफसरा में आपको स्लाइडर दबाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, लेकिन ये उसकी जादूगरी है, लेकिन उसके देखिए सब 10-10 में, लेकिन 10-10, ये उसकी 10, उसकी 10-10, ठीक है। नेक्स्ट, दीवाना करके वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर, ये म्यूजिक बजा दीजिएगा फिर 13, 10, 9। फिर से मुखरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो सब पैराग्राफ्स हैं सेम है, सेम नोटेशन है, सेम नोटेशन आपको बजाना है जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ बजाया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।